हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का फार्माकोकेमिस्ट्री का पार्ट वन का एक्सपेरिमेंट नंबर 10 कराएंगे, जिसमें एम लिखा है टू परफॉर्म द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ बिस्मथ कार्बोनेट। ये बिस्मथ कार्बोनेट जो है हमें आइडेंटिफाई करना है। ये बिस्मथ कार्बोनेट जो है पाउडर फॉर्म में होता है। ये बिल्कुल व्हाइट कलर का पाउडर है, ये व्हाइट कलर का पाउडर है, ये इस तरह से स्टूडेंट्स व्हाइट कलर है पाउडर का। तो जो बारी बारी हमने आपको इसका टेस्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो है इसमें लिखा है पाउडर फॉर्म फिजिकल स्टेट। पाउडर फॉर्म बिस्मथ इज प्रेजेंट। उसके बाद आपने बिस्मथ इज प्रेजेंट। सो स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑर्डर। ये ऑर्डर है बिस्मथ प्रेजेंट। सॉल्युबिलिटी इसकी देखनी है हमने पानी में, क्या ये पानी में घुल जाता है। ये स्टूडेंट्स पानी में घुल गया है पाउडर, सारा सॉल्युबल है। तो सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्युबल प्रेजेंट, बिस्मथ प्रेजेंट। उसके बाद अल्कोहल में देखना है हमने कि अल्कोहल में ये पाउडर हमारा घुलता है या नहीं घुलता है। हमने स्मॉल क्वांटिटी लेना है पाउडर 0.5 मिलीग्राम 5 ग्राम, तो यानी कि 500 मिलीग्राम पाउडर लेना है। इसको हमने अल्कोहल में डालना है, ये अल्कोहल की बॉटल है तो इसको हमने केयरफुली डालना है। ये हमने डाला, इसको ये व्हाइट कलर का निकल गया ये, इसलिए ये हमारा सॉल्युबल है, अल्कोहल में भी ये घुल जाता है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है हमारा, इसको हमें पाउडर लेना है अपने 500 मिलीग्राम यानी कि 0.5 ग्राम ये पाउडर लिया। उसके बाद नाइट्रिक एसिड में हमने इसको, ये नाइट्रिक एसिड है तो इसमें इसको देखना है हमने कि ये सॉल्युबल है या नहीं है। तो ये इसमें भी घुल जा रहा है तो ये सॉल्युबल है। तो स्टूडेंट्स बिस्मथ प्रेजेंट है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो है इसका, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ बिस्मथ, हमने जो बार बार पाउडर लेने से हमें इसको 2% पाउडर लेके घोल लिया तो थोड़ा इजी हो जाता है। तो हमने स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पाउडर लेना है इसका, ये ले लिया पाउडर, पाउडर का घुला हुआ सोल्यूशन। उसके बाद हमने इसमें 10 ml ऑफ 2 m HCl डाला ऑयल एंड कोल्ड, तो 2 ml ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने डालना है सोल्यूशन डाइल्यूट, ये हमने डाल रहे हैं इसमें। सो स्टूडेंट्स ये हमने डाला, इसको उन्होंने कहा है वार्म करो थोड़ी देर, ये हमने वार्म कर दिया। वार्म करने के बाद हमने इसमें वाटर डालना है, ये जो वाटर डालेंगे तो स्टूडेंट्स वाटर डालने के बाद इसके व्हाइट स्लाइट येलो प्रेजेंटेज जो है इस फॉर्म बिस्मथ जो है कंफर्म है कि बिस्मथ प्रेजेंट है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने फिर एक्सपेरिमेंट जो है लेना है, ये पाउडर फॉर्म में लेना है, फिर इसको डिजोल्व कर लेना है। जैसे हमने ऑलरेडी डिजोल्व कर लिया, इसको घोल लिया पाउडर को, तो ये स्मॉल क्वांटिटी लेके उसके बाद हमने सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड जो है 2 से 3 ड्रॉप डालने हैं सोडियम सल्फाइड। ये स्टूडेंट सोडियम सल्फाइड है, इसको हमने हिला के अच्छी तरह से केयरफुली डालना है आपने। ये आपने डाला, उसके बाद इसके भी जो है प्रेसिपिटेट येलो व्हाइट, येलो प्रेसिपिटेट टर्न ब्लू,
ये वी शेप में आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर दिस मंथ, उसमें हमने 2N नाइट्रिक एसिड लेना है, बॉइल करना है, उसके बाद 2 ml ऑफ हाई यूरिया डालना है। तो स्टूडेंट्स हमने इसी तरह इसको लेना है, लेने के बाद बिस्मिन को हमने डाला है इसमें, तो 2N नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड हमने इसमें डाल दिया स्टूडेंट्स। तो नाइट्रिक एसिड डालने के बाद हमने टेनामिन डालना है, टेनामिन मीन्स मैयर करके मेजरिंग सिलेंडर से आपने टेनामिन डाल देना है इसको स्टूडेंट्स, ये हमने डाल दिया। डालने के बाद उन्होंने कहा है कि 2 ml ऑफ 10% ऑफ थायल यूरिया, ये जो थायल यूरिया है हमने नेक्स्ट डालना है स्टूडेंट्स 2 ml, 2 ml के 10% है थायल यूरिया, इसको हमने 2 ml डाल देना है। ये येलो कलर आ गया स्टूडेंट्स, इसमें लिया हुआ है ऑरेंज और येलो। स्टूडेंट्स इधर देखिए आपको येलो कलर आ गया व्हाइट से, ऑरेंज और येलो मींस इसको आप ऑरेंज भी कह सकते हैं, येलो से भी कह सकते हैं। बिस्मत इज कंफर्म, इसमें की ये जो सॉल्ट दिया गया है बिस्मत जो है वो प्रेजेंट है। सो स्टूडेंट्स आगे आ गया हमारा नेक्स्ट जो है उसमें हमने क्या करना है, इसको सैंपल को लेना है प्लस 2 ml ऑफ एसिटिक एसिड प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड जेंटली हीट, उसके बाद नेक्स्ट जो है सैंपल लेना है इसको हमने, ये सैंपल लिया स्टूडेंट्स। सैंपल लेने के बाद इसमें कहा गया है डाइल्यूट करो HCl जो है हमने इसमें डाइल्यूट करना है। ये देखिए स्टूडेंट्स ये किया, तो येलो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म, ये प्रेसिपिटेट गेट डिसॉल्व, जो प्रेसिपिटेट बने थे इसके वो घुल गए, पहले प्रेसिपिटेट बच्ची दाने दाने जिसको कहते हैं वो भी घुल गए, क्लियर हो गए हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म, और प्रेसिपिटेट गेट डिसॉल्व, कार्बोनेट इज प्रेजेंट, कार्बोनेट जो है वो प्रेजेंट हो गया इसमें। देखा ना आपने व्हाइट कलर आया था, दाने दाने व्हाइट कलर के थे वो घुल गया, सो कार्बोनेट प्रेजेंट। नेक्स्ट जो है हमारा उसमें हमने क्या करना है, सैंपल लेना है, सैंपल हमने लेके मैग्नीशियम सल्फेट में ऐड करना है, ये सैंपल लिया हूं। ठीक है स्टूडेंट, मैग्नीशियम सल्फेट जो है इसमें हमने इसको करना है स्टूडेंट्स, ये आ गया स्टूडेंट्स, इसमें इन्होंने कहा व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म, मैग्नीशियम में थर्ड नंबर में सैंपल एंड मैग्नीशियम सल्फेट में व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म, ये प्रेसिपिटेट बन गया व्हाइट कलर के स्टूडेंट्स, इसमें भी कार्बोनेट जो है वो प्रेजेंट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है हमें क्या करना है, फिर लेना है हमने सैंपल, सैंपल लेने के बाद इसको हमने लास्ट जो है मर्करी क्लोराइड, ये स्टूडेंट्स मर्करी क्लोराइड है इस तरह से सॉल्यूशन होगा क्लियर, उसको हमने 2-3 ड्रॉप्स जो है मर्करी क्लोराइड के इसमें डालने हैं, तो ये हमने डाला, स्लोली डालना है बहुत केयरफुली। ठीक है सर, तो स्टूडेंट्स ये हमने डाला तो इसके भी प्रेसिपिटेट बन गए हैं, सो कार्बोनेट जो है वो प्रेजेंट हो गए। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने बड़ी केयरफुली अच्छे ढंग से जैसे जैसे ये मेथड दिया जाता है उसी ढंग से आपने करना है। तो जैसे जैसे स्टार्टिंग में दिया गोल्ड सॉल्युबल है बिस्मथ प्रेजेंट है, इसी तरह से जैसे जैसे आपको इक्वल क्वांटिटी दिया गया है वैसे वैसे आपने करना है इसको आराम से। तो इसका रिजल्ट जो है जैसे जैसे ये ऑब्जर्वेशन में आएगा तो इन्फ्रेंस आपने लिखना है कि ठीक है बिस्मथ प्रेजेंट है, कार्बोनेट प्रेजेंट है। सो स्टूडेंट्स ये जो प्रैक्टिकल है हमारा आइडेंटिफिकेशन, किसको आइडेंटिफाई करना है हमने कि ये पाउडर बिस्मथ कार्बोनेट है, तो हमने आपके सामने स्टेप बाय स्टेप किया इसको।
स्टेप बाय स्टेप करने के बाद इसके एब्सोल्यूट जैसे आना था वैसे आया, सो आइडेंटिफाई हो गया कि ये बिस्मथ कार्बोनेट। सो स्टूडेंट्स आपका ई फार्मेसी फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पार्ट वन का जो 10th एक्सपेरिमेंट है बिस्मथ कार्बोनेट कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। सो स्टूडेंट थैंक यू।